सियासत चरम पर है और ममता भी अपराधियों के लिए ही नजर आती है। निर्मम, अगर वो किसी के लिए हो रही है तो जैसे छात्रों के लिए। हमारी सहयोगी हावड़ा से इस वक्त जुड़ गई हैं अनामिका सिंकाली और वहां पर भी हम देख रहे हैं। अनामिका, ये क्या ये कोई जंग लड़ने की तैयारी कर रही है क्या ममता बनर्जी? तैयारियां तो कुछ इसी तरह की बता रही है। देखिए, कुछ जंग जैसे हालात ही दिखाई दे रहे हैं कोलकाता के भीतर अलग अलग जगहों पे, जहां पर मेरी मौजूदगी देखिए आपको प्रदर्शनकारियों से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस के लोग, बंगाल पुलिस के लोग, सीएसएफ के जवान दिखाई देंगे। प्रदर्शनकारी तो अभी आए नहीं है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से तैयारी है यहाँ पे, हाथों में लाठियां हो, चाहे शेड हो, चाहे इसके अलावा ग्लव्स हो, इसके अलावा बांस हो, बल्लियां हो, बैरिकेटिंग हो, तैयारी इस तरीके की है कि अगर प्रदर्शनकारी आसपास भी नजर आए तो उनको किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर के पूरा का पूरा जो बल प्रयोग होगा वो पुलिस की ओर से किया जाएगा। पूरे के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वाटर कैनन से लेकर के यहाँ पे जो बाकी अन्य गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे रखी गई है एहतियात के तौर पर। महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष पुलिसकर्मी हो, उनकी जो तादाद देख रहे हैं आप, ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से प्रदर्शन का आह्वान किया गया, प्रदर्शन से ज्यादा तैयारी उसको रोकने की दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे तो अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले उनको रोका कैसे जाए, इसको लेकर भरपूर तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको आज कोलकाता में कहीं भी जाने आने को लेकर बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई इलाके ऐसे जिनको पूरा का पूरा सील कर दिया गया है। हावड़ा ब्रिज से लेकर के जो अलग अलग इलाके, चाहे वो जाते नावन्ना की तरफ हो, चाहे वो जाते स्वास्थ्य भवन की ओर हो, ये वो सरकारी भवन है जिसको घेराव करने के लिए आह्वान किया गया है। लेकिन उसके पहले जो तैयारी देख रहे हैं आप मेरे ठीक पीछे, आपको बहुत दूर पहले ही अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई। और देखिए, बैरिकेडिंग भी कई तरीके की है। बैरिकेटिंग यहाँ पे दो तरीके की है, एक तो बैरिकेटिंग यहाँ पे बांस की है, बल्लियों की है, देखिए। दूसरी बैरिकेटिंग जो अगर स्थिति खराब होती है तो बैरिकेटिंग यहाँ पर लोहे की कर दी गई है, और इस लोहे की बैरिकेटिंग पर देखिए किस तरीके से पॉलिश लगाया जा रहा है। तो देखिए कई लेयरिंग में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पहले यहाँ पे बांस की बल्लियां लगाई गई है, इसके बाद रॉड लगाए गए हैं, लोहे के रॉड लगाए गए हैं, इसके बाद देखिए अब इन बल्लियों को और मजबूत किया जा रहा है। और इसके बाद देखिए अगर हालात और खराब होते तो देखिए ये जो आप जो शेडो देख रहे हैं आप, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रॉपर लोहे का बना हुआ है, तो लोहे के दरवाजे, बैरिकेटिंग, बांस की बलिया, इसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे तार काटे जा रहे हैं। अब तार काट करके यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो एहतियात पुलिस की ओर से दिख रहा है वो कम से कम बताने के लिए काफी है कि आज वाकई में कोलकाता में जंग जैसे ही हालात है, जंग को रोकने की ही तैयारी है। आमना सामना और टकराव होने की स्थिति साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके पहले बंगाल पुलिस की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ ये बता दिया गया था कि हमारे पास ये इनपुट है कि माहौल खराब होगा, लिहाजा आम लोगों से ये अपील की गई कि भाई आम लोग जो है कुछ रास्तों को अवॉइड करें, कुछ रास्तों से होकर के ना गुजरें। लेकिन जो हालात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है, इसमें सबकी नजरें बनी हुई हैं, पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। एक तबका ऐसा है जो बिटिया को तरफ का जो ट्रैफिक है वो पूरे तरीके से बंद किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप लोग उस पर लाठी नहीं चला सकते, और एक बार नहीं बल्कि दो बार सुनवाई हुई, दो बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस तरीके के तर्क दिए हैं। इस बार क्या हो रहा है, इस बार लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोगों के पास प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बीजेपी इसी बात को लेकर एक तरफ, जहां कोर्ट ने भी कहा था शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो आप नहीं रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं तैयारी किस तरीके से प्रशासन की तरफ से। अनामिका सिंकाली भी हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, अपडेट जरा जल्दी से पहुंचाइए। और देखिए जहां मेरी मौजूदगी है यहाँ से हावड़ा बहुत नजदीक है, लेकिन देखिए दरअसल बात यहाँ पर ये कि जगह जगह पे जिस तरीके की बैरिकेटिंग की गई, इसके बाद से आसार इस बात के बहुत कम है कि जो लोग आज निकल रहे हैं घर से बाहर वो बहुत मुश्किल से ही अपने घर से बाहर निकल पाएंगे या किसी और दूसरे जगह पे जा पाएंगे। हालात दरअसल ये है कि जितने भी रास्ते जोड़ते हैं हावड़ा को, उसको इसी तरीके से बैरिकेटिंग करके रोका गया है। कुछ कुछ रास्ते आम लोगों के लिए खोल दिए गए, लेकिन पुलिस की ओर से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया गया था कि जिस तरीके से इस प्रदर्शन की आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसे में पुलिस की ओर से एहतियात के तौर पे जगह जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है। खास तौर पे हावड़ा जाने वाले, मुख्यमंत्री आवास जाने वाले, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने वाले, इसके अलावा जो सरकारी भवन है वहां पर जाने वाले रास्तों को कुछ ऐसे ही बैरिकेटिंग के जरिए कवर कर दिया गया है। आपको आज सड़कों पर जो पुलिसकर्मी है वो दिखाई देंगे, सीएसएफ के जवान दिखाई देंगे, सीआरपीएफ के जवान दिखाई देंगे, ट्रैफिक पुलिस दिखाई देंगे। तो कुल मिला के प्रयास दरअसल ये कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से, या यूं कहें तो बीजेपी
बीजेपी की ओर से या तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, सामान्य लोगों की ओर से आज बड़े प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, उसको देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कुछ देर के बाद अभी हालात और खराब होने वाले हैं ऐसा आकलन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से जो अपने कॉलेज से निकल रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही बैरिकेटिंग के जरिए जगह जगह पे उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका हम आपको तस्वीरें यहाँ की भी दिखा दें, हैशटैग चौक की तस्वीरें हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी आपको वायरलेस पे बात करते हुए नजर आ जाएंगे, हर अपडेट हर चौराहे की अपडेट पुलिसकर्मी आपस में ले रहे हैं कि कहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है, और लगातार बैरिकेड्स लगाने की कवायद हो, डिप्लॉयमेंट की कवायद हो, या यूँ कह लीजिए कि सीनियर ऑफिसर्स कैसे ब्रीफ कर रहे हैं, वो सभी मूवमेंट बहुत तेजी से यहाँ पर हो रही है, और जितना डिप्लॉयमेंट एक चौक पर होना चाहिए उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। मल्टीलेयर बैरिकेडिंग है, बांस और बलियाँ लगाई गई है, इस रोड को जब हम क्रॉस करते हैं, फ्लाईओवर को क्रॉस करते हैं, तो वहां पर आपको बड़े बड़े कंटेनर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, जेसीबी मशीन यहां पर खड़ी हुई है कि अगर सिचुएशन होगी तो उन कंटेनर्स को भी लगाया जाएगा। मेरे पीछे अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे बसेस के बाहर जो फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट है, और उतना ही डिप्लॉयमेंट बसेस के अंदर भी है, और ये तस्वीर आप सिर्फ एक चौक की देख रहे हैं बल्कि इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सड़कें हैं, तमाम गाड़ियां हैं, हर सिचुएशन को अगर प्रोटेस्टर्स को डिटेन करना है तो उनके लिए भी बसेस का जो इंतजाम है वो यहां पर किया जा रहा है। सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि ड्रोन कैमरे से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इस पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं, नबन्ना के आसपास की निगरानी कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रक्स में जो एक तरीके से बैरिकेड है, एल्यूमिनियम के लोहे के बैरिकेड्स हैं, उनको यहां पर लाया जा रहा है और वेल्डिंग करके इंटैक्ट किया जा रहा है, एक साथ जोड़ा जा रहा है। आप वो तस्वीर देखिए, बांस बलियों के ऊपर जितने भी बैरिकेड्स हैं, लकड़ी के ऊपर लोहे के बैरिकेड्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, उनको यहां पर इंटैक्ट किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की मूवमेंट या यूं कह लीजिए कि नबन्ना तक किसी भी प्रोटेस्टर्स को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि सिर्फ नबन्ना के आसपास नहीं बल्कि उसके 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में इसी तरीके की मूवमेंट है। प्रिकॉशन के तौर पर आप देखेंगे कि एम्बुलेंस की भी मूवमेंट यहाँ पर है, इनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसको एम्बुलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी मूवमेंट भी आप यहाँ पर देख लेंगे, 2 स्टार संभवतः IGD रैंक के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी आप उनको यहाँ पर देख लेंगे, उनसे बातचीत करने की भी जो हम कोशिश करेंगे अगर वो यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन पूरे नबन्ना के आसपास का पूरा इलाका है उसको इसी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। हालांकि देखना होगा कि इस बार जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ तौर पर दी गई है उस गाइडलाइन को लेकर कितना फॉलो किया जाएगा, और उसी के तर्ज पर जो तमाम पोस्टर्स बैनर्स हैं उनको लगाया गया, शांति बनाए रखने की जो अपील है वो की जा रही है। लेकिन पुलिस के उस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए जिसमें वो बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट की परमिशन उनसे नहीं मांगी गई है, नबन्ना के आसपास 163 इंस्टॉल किया गया है, कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की बात पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस करती हुई नजर आ रही है। अब 1 बजे जब प्रोटेस्ट शुरू होगा उसके बाद की तस्वीर क्या रहने वाली है, लेकिन तैयारी पुलिस की पूरी है, एंटी राइड्स एक तरीके से गियर उनके पास है, शील्ड उनके पास है, लाठियां उनके पास है, हेलमेट उनके पास है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस कमांडो कोलकाता पुलिस के यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। बड़ा सवाल ये भी है जिस तरीके की तैयारियां पुलिस की दिखा रहे हैं इस समय, ये तो अपराधियों के लिए की जाती है या कुछ अराजक तत्व होते हैं उनके लिए की जाती है? छात्र तो न्याय की मांग के लिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, फिर इस तरीके की तैयारियां जो सामने आ रही है, ममता सरकार अगर इसी तरीके की तैयारी उस दिन कर ली होती जब अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी तो शायद वो नहीं होता। जतिन आज बिल्कुल देखिए, और वो समय था जब 150 पुलिसकर्मी थे, उस 14-15 की रात को जब आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई, उपद्रवी अंदर घुसे, पूरे इमरजेंसी वार्ड को तोड़ दिया, तब डिप्लॉयमेंट कितना था, महज 150 पुलिसकर्मियों का। और ये डिप्लॉयमेंट सुप्रीम कोर्ट में जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने बताया भी, लेकिन आज कितनी फोर्स है आप ये देखिए कि 150 से भी तकरीबन 3 गुना, 500 के आसपास सुरक्षाकर्मी, उससे भी ज़्यादा कर लीजिए क्योंकि 500 तो सड़क पर दिख रहे हैं, जो बसेज में बैठे हैं वो बिल्कुल अलग, सिर्फ एक चौक पर डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। तो सवाल वही खड़ा होता है कि जब जरूरत थी, जब अस्पताल के अंदर उपद्रवी घुस रहे थे, तब आपने इतना प्रोटेक्शन नहीं दिया, आज स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है तो आपने 3,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है। और ये वो है जो ऑन ग्राउंड है, जो अलग से ड्यूटी पे तैनात है, वो किस तरीके से होंगे उसका कोई आंकड़ा नहीं है। आप ड्रोन के जरिए पूरी कैंपस की निगरानी रख रहे हैं और तमाम जो सीनियर ऑफिसर ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, अनाउंसमेंट आप लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी कि इस बार स्टूडेंट्स
की मांग अलग है, वो सीधा ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपने क्या कुछ कार्रवाई की इस बारे में बताइए, वो मांग कर रहे हैं कि संदीप घोष को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वो चौथी सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि अभी तक क्या सिर्फ संजय राय था या इसके अलावा कुछ और लोग थे, इसको लेकर क्लियरिटी नहीं, पांचवी सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला, कुछ क्लियरिटी नहीं, क्योंकि कुछ छात्रों का डेलीगेशन पिछले कुछ दिनों में सीबीआई दफ्तर भी पहुंचा था, मुलाकात की, जानने की कोशिश की कि आप बताइए। जतिन, आपको रोक रहे हैं, लौट रहे हैं, जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की जा रही है वहां पर। आप ये सोचिए, वो छात्र, हालांकि पुलिस तो ये कह रही है कि उन छात्रों को इस तरह का कोई भी मार्च निकालने की इजाजत नहीं है, ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन तैयारियां आप देखिए शिखा कि किस तरह की तैयारियां, एक तरह से ये छोटा छोटा मतलब एक जैसे जेल नहीं होती, ये जेल नुमा जो है पूरा वो तैयार यहां पर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वो एल्युमिनियम के जो बैरिकेड्स हैं वो यहां पर लगाए गए हैं, वाटर कैनन का जो पूरा तैयारी है वो वहां पर की गई है कि अगर कोई भी इस तरह की चीजें वहां पर होती है। तो ये चार तस्वीरों के जरिए हम पूरी तैयारी यहां पर बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से नबन्ना अभियान चलाया जा रहा है, वाटर कैनन तैनात की गई है, छात्रों के लिए ये तैयारियां की गई है। बड़ा सवाल यही उठता है, देखिए इनको देख के लग रहा है ना जाने किस चीज की तैयारी की जा रही है, तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ी बड़ी बैरिकेड्स लगाई गई हैं, 5 एल्युमिनियम बैरिकेड्स लगाई गई हैं, क्यों? ये छात्र तो न्याय की मांग कर रहे हैं उस डॉक्टर